हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत किया था। तो हमारे मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सिद्धांत थे वो चल रहे थे। तो आज भी हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी ही करेंगे जो कि प्याजे द्वारा दी गई थी। कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत हमने कर लिया है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्याजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो प्याजे ने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी, आज हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो जीन प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया था। उसने बच्चों का इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू मेथड। उन्होंने इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया, जिसमें उसके बाद उन्होंने थ्री स्टेजेस प्रोवाइड किए, तीन स्टेजेस बताए जो नैतिक विकास के थे। तो उन्होंने अवस्थात्मक सिद्धांत दिया था, स्टेजेस थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, स्टेजेस थ्योरी। तो इसमें उन्होंने पहली स्टेज बताई थी एनोमी, सेकंड स्टेज थी हेट्रोनोमी और थर्ड स्टेज थी ऑटोनोमी। एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी, ये तीन स्टेजेस उन्होंने बताई थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। तो हम इन्हीं तीनों स्टेजेस को डिस्क्राइब करेंगे। जो पहली स्टेज है एनोमी, इसमें प्याजे ने क्या कहा, तो यह अवस्था का पहला चरण है, पहली स्टेज है, यह जीरो से पाँच वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में प्याजे ने क्या बताया कि इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक। मीन्स ना तो बालक को नैतिकता का पता होता है और ना ही अनैतिकता। मीन्स उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। उन्होंने ये बताया था कि जो बालक का पूरा व्यवहार है, जो बालक का पूर्ण व्यवहार है, वह किस पर आधारित होता है, वह बच्चे की पीड़ा और हर्ष, मींस उसके पेन और प्लेजर, पेन और प्लेजर पर डिपेंड करता है बच्चे का व्यवहार। अगर बालक को किसी चीज़ का दुख है, पीड़ा है, तो वह बुरा व्यवहार करेगा। अगर खुश है बालक, प्लेजर की स्थिति में है, तो वह अच्छा व्यवहार करेगा। तो पेन और प्लेजर के अकॉर्डिंग ही हम उसके व्यवहार को जान सकते हैं कि वह नैतिक है या अनैतिक। तो ये उसकी एनोमी स्टेज थी। सेकंड है हमारे पास जो स्टेज, वो है हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी, या हम इसको हेट्रोनोमस भी बोल सकते हैं, हेट्रोनोमस। यह स्टेज 5 से 8 वर्ष तक की स्टेज है। इसमें बालक का जो मुख्य व्यवहार है वो दंड और पुरस्कार पर टिका होता है, दंड व पुरस्कार पर आधारित होता है। मींस बालक को नैतिक अनैतिकता की समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि अगर किसी कार्य के बाद उसे पुरस्कार मिलता है तो मींस उसने अच्छा कार्य किया है, अगर दंड मिलता है तो उसने बुरा कार्य किया है। तो इस स्टेजेस की दो सब स्टेजेस हैं, इसकी दो उप स्टेजेस हैं, जिसको हम उप अवस्थाएं बोल सकते हैं, सब स्टेजेस। इसमें हेट्रोनोमस में उन्होंने दो स्टेजेस बताई थी, दो अवस्थाएँ बताई थी, वो कौन सी थी वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हेट्रोनोमस में
पहली स्टेज है जो वो है हमारे पास रेसिप्रोसिटी, सॉरी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन स्टेज। उन्होंने डिसिप्लिन स्टेज बताई। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन होता है कि अनुशासन में रहना। तो हमने पहले भी वैसे डिस्कस कर लिया है इसको कि बालक आज्ञा वै दंड या पुरस्कार, पुरस्कार के आधार पर स्वयं को अनुशासित करते हैं। इसमें जो दूसरी स्टेज है वो है हमारे पास रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी होता क्या है? मींस आदान प्रदान करना। तो आदान प्रदान मींस इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक समझौते करता है कि उसे पता चल जाता है कि अगर वह कोई वस्तु किसी दूसरे बालक को देगा तो फिर ही उसे, जैसे कि एक बालक कहता है कि मैं तुम्हें फिर ही पेंसिल दूंगा यदि यदि तुम मुझे इरेजर दोगे। मींस पेंसिल और इरेजर के बीच जो उनका आदान प्रदान हो रहा है वो रेसिप्रोसिटी में आता है। तो मींस वो समझौते करना सीख जाता है बालक इस अवस्था में। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें बालक साथियों साथियों के साथ सहयोग की नैतिकता रखते हैं। इसमें नैतिकता व्यवहार पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा ही नियंत्रित होता है। मीन्स आदान प्रदान करना, अच्छे समझौते बनाना, बच्चों के साथ जो अपने साथी होते हैं उनके साथ सहयोग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ताकि उनको पता होता है कि आज उन्हें उन हेल्प की ज़रूरत है और कल उन्हें भी पड़ सकती है। इसलिए जो बालकों में सहयोग होता है तो उनका पारस्परिक आदान प्रदान होता है, वही उसका अच्छा और बुरा व्यवहार होता है। तो ये उसकी रेसिप्रोसिटी थी। हेट्रोनॉमस में डिसिप्लिन और रेसिप्रोसिटी दो स्टेजेस आती हैं, और हेट्रोनॉमस की एक विशेषता है, इस विशेषता को याद रखना क्योंकि समटाइम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कि इसमें जो बालक होता है, जो बालक का चिंतन होता है वो क्या होता है? इसमें बालकों का यह विश्वास होता है, जो बालकों का यह विश्वास होता है कि नैतिकता के नियम निश्चित और अपरिवर्तनीय हैं। जो नैतिकता के नियम हैं वो निश्चित और अपरिवर्तनीय हैं। मींस वो फिक्स्ड हैं, समाज ने उनको फिक्स करके रखा है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उनको चेंज नहीं किया जा सकता उन नियम को। तो उनका यह विश्वास इस स्टेज में, जो हमने हेट्रोनॉमस की है, इस स्टेज में उनका यह विश्वास होता है कि जो नैतिकता के नियम है वो अपरिवर्तनीय है और निश्चित है, न ही उन्हें बदला जा सकता है। तो इसी विश्वास के आधार पर जो माता पिता जिस तरह का कार्य दे देते हैं उसी तरह का कार्य वो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सही है उनके लिए। तो ये निश्चित और अपरिवर्तनीय याद रखना कि समाज ने जो नियम बना रखे हैं, बालकों की थिंकिंग यह होती है कि जो समाज ने नियम बना रखे हैं वो निश्चित है और अपरिवर्तनीय है। इस स्टेज में यदि वह नियमों को भंग करेगा, उनकी यह थिंकिंग होती है कि यदि वह नियमों को भंग, या मीन्स हम ये कह सकते हैं ब्रेक करेगा, तो माता पिता या अध्यापक
द्वारा दंडित किया जा सकता है। ये हेटरोनॉमी स्टेज थी। आगे हमारे पास जो थर्ड स्टेज है वो करते हैं हम। हाँ जी, थर्ड स्टेज का नाम है ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस। तो इस स्टेज में बालक का जो चिंतन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसमें बालकों की विचारधारा बदल जाती है। जो यह स्टेज है यह 13 से 18 वर्ष के मध्य होती है। तो 13 से 18 वर्ष मीन्स बालक में मच्योरिटी आ जाती है, वो समझ जाता है बहुत बातों को। तो इसमें बालक की थिंकिंग क्या होती है? इसमें बालक का विश्वास होता है कि जो नैतिकता संबंधी सामाजिक नियम है वह अनिश्चित और परिवर्तनीय है। मीन्स उन नियमों को बदला जा सकता है जब समाज की सहमति के साथ। मीन्स इसमें बालक समाज की सहमति के साथ ये समझ जाता है ये बातें कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो समाज ने बना रखे हैं, तो उन नियमों को हम बदल सकते हैं यदि समाज की सहमति हो। तो मीन्स इसमें बालक नियमों के प्रति विवेक का प्रयोग करते हैं। विवेक मीन्स स्वयं के माइंड का प्रयोग करते हैं, बालक अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। तो जो यह ऑटोनॉमस स्टेज है तो यह प्याजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक अवस्था जो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसकी जो हमने फोर्थ स्टेज की थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यह जो ऑटोनॉमस है यह प्याजे द्वारा बताई गई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भी बालक है विवेक का प्रयोग करता है। तो इसमें भी बालक विवेक का प्रयोग कर, उसमें बालक को पता चल जाता है कि जो नियम है वह अनिश्चित है और परिवर्तनीय है। जो ये थ्योरी थी ये प्याजे ने बताई थी, जो कि मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित थी। तो प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित भी एक थ्योरी दी थी जो जो हमने ऑलरेडी कर ली है। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड भी थ्योरी दी थी, वो भी हमने ऑलरेडी ऑलरेडी कर ली है वीडियो में। प्याजे ने नेचर नर्चर की थ्योरी भी दी थी, नेचर नर्चर थ्योरी, प्राकृतिक पालन पोषण का सिद्धांत। तो ये भी हमने ऑलरेडी कर ली है। तो प्याजे की ये तीनों वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस सीटेट में आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इन वीडियो को ध्यान से कर लेना। थैंक यू।